hey guys a very good morning to all of you i hope you all are doing good and motivated enough to prepare and give your best for your dream job that is rbi so today is day 2 for august month and we will be discussing the rbi 247 finance current affairs news but before that there are certain information for you the first is that we have already started with the live classes schedule if you have still not checked please go and visit the website secondly

activities or things incorpor are incorporated in financial inclusion what is the level of financial inclusion in india to what extent we have covered or is it only at the uh, medium level or we have also covered the lower segment of the economy or not सो वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज फॉर द सिंपल रीजन दैट आर बी आई हैज़ कम अप विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो आर बी आई ने बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर एक, एक इंडेक्स बनाया है एंड इट हैज़ रिलीज द डेटा फॉर द यर एंडिंग मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया कहाँ से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी बात की गई थी इन द स्टेटमेंट ऑफ़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ़ द मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आपको पता होगा बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की जाती है तो उसी में एक और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ और ये अप्रैल 2021 की डॉक्यूमेंट थी जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज़ अनाउंस दैट एन इंडेक्स कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स विल बी प्रिपेयर तो तब बात की गई थी तो आर ने क्या किया इन कंसल्टेशन विद दी गवर्नमेंट एज वेल एज दी अदर एजेंसीज इन्वॉल्व अदर एजेंसीज क्या क्या हैं सो दीज आर रेगुलेटर्स जो जैसे कि मार्केट का रेगुलेटर है सेबी देन वी हैव देंशन रेगुलेटर पी एफ आर डी ए देन वी हैव दी इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर नॉन एज द आई आर डी ए आई इसके अलावा और भी लोग हैं और भी इंस्टीट्यूशंस हैं सच एस नबार्ड सच एस एन इन सब की कंसल्टेशन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वॉज प्रिपेयर आपको पता होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है इट डज़ नॉट टॉक अबाउट ओनली ऑफ हैविंग अ बैंक अकाउंट अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैंक अकाउंट यू नीड टू हैव इंश्योरेंस यू नीड टू हैव सर्टन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू नीड टू हैव पेंशन यू नीड टू हैव अ पोस्टल अकाउंट तो इन सब चीज़ों को एनकम्पास करता है दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है इसीलिए इन सबके रेगुलेटर्स को एक साथ ला के वी हैव प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तो वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स सो व्हाट विल दिस इंडेक्स डिटरमाइन और डिनोट अब ये इंडेक्स है कोई एक नंबर होगा तो ये नंबर डिनोट क्या करेगा सपोज यहाँ पे 56.4 है सो व्हाट इज दिस 56.4 सिक्स पॉइंट फोर डिनोट्स तो इसको बनाने के पीछे का यही मेन ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड एंड एंड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एक्सटेंट और द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द एंटायर कंट्री अक्रॉस द कंट्री व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इट्स इज डिटर्माइंड यूजिंग दिस इंडेक्स अब ये जो इंडेक्स है ये फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2021 के लिए प्रिपेयर किया गया था एंड नाउ रिसेंटली आर बी आई हैज़ रिलीज द डेटा फॉर फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2022 तो मार्च 2022 तक का फाइनेंशियल इंक्लूजन किस एक्सटेंट तक था इस कंट्री में इसको हम आज देखेंगे ठीक है अब ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की डेटा है ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे इशू की जाती है सो दीज आर पब्लिश्ड एनुअली कुछ डेटाज़ होते हैं कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो बाई मंथली या फिर हाफ ईयरली भी इशू किए जाते हैं पब्लिश किए जाते हैं फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो डिजिटल पेमेंट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया था डी पी आई राइट आर बी आई का डी पी आई आया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स एंड दिस डेटा इज़ रिलीज्ड और पब्लिश्ड बाई एनवली ठीक है सेमी एनुअली बोल लो बाई एनुअली बोल लो दैट इस ईयर में दो बार दो बार ही रिलीज़ होता है बट इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज रिलीज ओनली वंस और ये कब रिलीज़ होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई सो डेटा देख लेते हैं वॉट इज़ द डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसके इस डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है दैट वी हैव सीन एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल इन इंडिया हाउ आर वी कंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट ऑन द सिंपल रीजन दैट मार्च दो हजार इक्कीस में हमारा जो इंडेक्स का डेटा था इट वॉज फिफ्टी थ्री पॉइंट नाइन बट नाउ इट इज़ फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर दैट मीन्स मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इन टू द फाइनेंशियल इंक्लूजिवनेस दैट वी एक्सपायर टू हैव तो जो भी हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन था मे बी उनके पास बैंक अकाउंट होगा पीपल आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंडस और द स्टॉक ऑर द बॉन्ड्स और आप बोल सकते हो इंश्योरेंस ले रहे हैं पेंशन्स की तरफ जा रहे हैं सो इट इज़ अ गुड साइन राइट एंड इट ऑल्सो शोज दैट दे वी हैव सीन अ ग्रोथ इन ऑल सब इंडाइसिस अब ये इंडाइसिस का क्या मतलब होता है सब इंडाइसिस अब जब भी कोई इंडेक्स बनता है दे आर सर्टन पैरामीटर्स कुछ पैरामीटर्स पे हम उस इंडेक्स को बनाते हैं तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितनी भी पैरामीटर्स हैं उन सब में भी ग्रोथ देखने को मिली इट्स नॉट बिकॉज कि एक में ग्रोथ थी जिसकी वजह से दिस नंबर हैज़ इंक्रीज़ दिस नंबर हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेटिव इंक्रीज़ और ग्रोथ इन द इन द पैरामीटर्स दैट इज़ डिटर्मानिंग दिस इंडेक्स आई होप आपको समझ आ गया होगा अब आगे देखते हैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है तो इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी सो एज़ आईव ऑलरेडी मैंशन यहाँ पे बैंकिंग होगा इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस पोस्टल एज वेल एज दी पेंशन सेक्टर इसलिए इन सब के जो रेगुलेटर्स हैं देव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन प्रोड्यूसिंग दिस इंडेक्स नाउ टॉकिंग अबाउट दी पैरा मीटर्स इसमें कितने पैरामीटर्स हैं सो दे आर थ्री ब्रॉड पैरामीटर्स इन दिस इंडेक्स और ये जो पैरामीटर्स हैं दिज आर बेस्ड ऑन सर्टन इंडिकेटर्स सबसे पहले हम इंडिकेटर्स डिटामाइन करते हैं कि क्या क्या इंडिकेट करता है दैट वॉट आर दी इंडिकेटर्स दैट इट विल लीड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन अब इस इंडिकेटर्स को वी ट्राई टू ग्रूप दैम इन टू सर्टन पैरामीटर्स ठीक है तो हमने तीन पैरामीटर डिटरमाइन किया है फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इंडिया में जहाँ से लोग एक्सेस कर सकें पीपल वॉन्ट टू एक्सेस एक है कि पीपल चाहते ही नहीं कि वो एक्सेस करें सेकेंड इज़ पीपल वॉन्ट टू एक्सेस बट इज़ देयर द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडेड टू दैम सपोज करो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रीजन्ली एरियाज़ हैं इवन द स्मॉलर रूरल एरियाज वहाँ पे आप देखोगे डिजिटल पेमेंट या बैंकिंग की चीज़ें नहीं होती दे आर फ्यूअर बैंक अगर बैंक है भी एक गाँव में एक है सो पीपल वुड नॉट प्रेफर ट्रैवलिंग टू सच लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू हैव एन अकाउंट और टू हैव एन पेंशन अकाउंट और इंश्योरेंस अकाउंट तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि वेदर द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इज देयर और नॉट second it talks about the usage of the financial services whether people are using it or not Hannah third usage can also be in terms of whether people कमिंग टू यूज़ दिस सर्विसिज़ आर गिविन दैट सर्विसेज और नॉट इसका क्या मतलब होता है सपोज करो आप एक मार्जिनल फार्मर हो आपको लोन चाहिए आपने बैंक को अप्रोच किया कि चलो मुझे फॉर्मल लोन चाहिए लेट मी गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर द लोन बट यू डो नॉट हैव सर्टन कोलेट्रल सिक्योरिटी विद यू आपके पास घर नहीं है कुछ नहीं है कि आप उसको गिरवी रख के लोन ले सको इन दैट केस वेदर यू आर गेटिंग दैट लोन और नॉट उसको बोलते हैं यूज क्या आपको लोन मिल रही है और भी चीज़ों के लिए सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूजर्स थर्ड इज़ क्वालिटी अब क्वालिटी बहुत यूनिक फीचर है इस इंडेक्स की वाई अब क्वालिटी इज़ टॉकिंग अबाउट सर समथिंग दैट इज़ क्वालिटेटिव राइट अब उसको हम मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटेटिव नंबर्स क्वालिटी में ये बताया जाता है कि वॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यू आर प्रोवाइडिंग आप इसमें क्या एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बैंक के पास गए यू हैड सो सो द पर्सन आप जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना चाहते हो डज दैट पर्सन एक्चुअली हैज़ द नॉलेज इज द पर्सन फाइनेंशियली लिटरेट उसको पता है क्योंकि फ़्रॉड्स हो सकते हैं इफ़ द पर्सन डज डॉट नो ही गोज एंड गिवज इज थम इम्प्रेशन अगर उसका मिस यूज़ हो जाता है राइट तो फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल नॉलेज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट द क्वालिटी पार्ट द क्वालिटी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सेकेंड इज़ कस्टमर प्रोटेक्शन कस्टमर प्रोटेक्शन भी क्वालिटी की पार्ट होगी कैसे अगर आपने कुछ लिया देर आर सर्टन ग्रीवेंसेस को आपको कोई तकलीफ हुई या आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जैसे मेरे साथ हुआ मैंने बैंक में uh, किसी और को ट्रांसफ़र किया पैसा मेरे से डिडक्ट हो गया बट दी अदर पर्सन हेज नॉट रिसीव द मनी टिल यड सो क्या इसकी जो ग्रीवेंसेज जो मुझे फेस करने पड़े इसका रिड्रेसल होता है या कितने टाइम में ये होता है सो ऑल ऑफ दीज सो देर विल भी सर्टन मोर इंडिकेटर्स और इसको हमने ब्रॉडली इन तीन पैरामीटर्स में डिफाइन किया गया नाउ दे हे गिविन सर्टन वेटेज इन ऑर्डर टू फाइन द इंडेक्स आपको पता है इंडेक्स क्या होती है इंडेक्स एक इकोनॉमिकल वैल्यू एक नंबर होता है जो डिटमाइन करता है कि वॉट इज द लेवल ऑफ समथिंग या फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो राइट right? तो अब इसमें एक्सेसिबिलिटी की जो वेटेज है वो थर्टी फाइव परसेंट है यूजेज फोर्टी फाइव इन क्वालिटी ट्वेंटी परसेंट अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है

अब इंडेक्स के बारे में देखते हैं नाउ एज आई ऑलरेडी मैंशन इंडेक्स जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है इन तीन पैरामीटर्स में और इसको करने के लिए इट हैज़ टेकन अराउंड सो इट इज टेकन अराउंड 97 इंडिकेटर, सो दीज ऑल आर 97 इंडिकेटर्स जिसके थ्रू हम तीन पैरामीटर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये जो इंडेक्स है ये काम कैसे करता है सो दिस इंडेक्स वर्क्स ऑन अ वैल्यू ऑफ जीरो टू हंड्रेड यहां पे जीरो यहां 100 हंड्रेड वट 0 जीरो 0 जीरो सिग्नीफाइज देर इज एक्सट्रीमली नो इंक्लूजन नो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दैट कंट्री सो इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ठीक है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की बात करता है ज़ीरो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो ठीक है अब जो ये हंड्रेड है हंड्रेड ऑब्वियस रीज़न ये क्या इंक्लूड करेगा कि जो पूरी कंट्री है एंटायर कंट्री हैज़ बिन फाइनेंशियली इंक्लूडेड इन टू दी फाइनेंशियल सिस्टम तो हंड्रेड इंडिकेट्स करता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन सो दीज़ आर द टू एक्सट्रीम्स इसके बीच में द वैल्यू कैन लाई एनी थिंग और अभी हमारी जो वैल्यू है वो है फिफ्टी थ्री फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर सो हमने ऑलरेडी हाफ रास्ता ऑलरेडी हमने पार कर चुके हैं नाउ वी आर एट फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर ठीक है नाउ वी नीड टू वर्क अपॉन इट नॉट ओनली द गवर्नमेंट नॉट ओनली द अदर एजेंसीज और द रेगुलेटर्स वी एट एन इंडिविजुअल लेवल शुड वर्क एंड शुड ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस फाइनेंशियल सर्विसेज सो दैट वी रीच टू दिस हंड्रेड मार्क और नियर टू दिस हंड्रेड मार्क आई होप आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स समझ आ गया होगा अब दिस वॉज द डेटा दैट वॉज प्रोवाइडेड बाई आर बी आई इन वन ऑफ इट्स रिपोर्ट ठीक है तो आर ने एक Uh, वो बनाया था नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द ईयर 2019 थाउजेंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो नेशनल स्ट्रेटजी के अंदर इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की डिस्कशन की गई थी और इसी के कारण इसको अनाउंस भी किया गया था इन वन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ठीक है तो एक्सेसिबिलिटी की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फिजिकल पॉइंट्स ऑफ सर्विसेज आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं सो दैट पीपल कैन एक्चुअली एक्सेस द फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक है नाउ दिस कैन बी ऑफ टू पॉइंट्स फर्स्ट इज़ द फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ योर ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एजेंट्स या फिर माइक्रो ए जो पी ओ मशीन्स होती हैं दुकानों पर सो ऑल ऑफ़ दिस कंसिस्ट ऑफ़ द फिज़िकल पॉइंट्स ऑफ सर्विस

सो इस केस में आपके पास पेमेंट गेटवे होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होने जरूरी है नाउ द सेकेंड टॉक्स अबाउट द यूज यूजेज मैंने आपको बताया कि आपके पास एक फॉर्मल बैंक अकाउंट होना चाहिए सो दैट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ़ द सोसाइटी द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड अप्रोच द बैंक फॉर एनी टाइप ऑफ क्रेडिट नीड्स सो दैट दे कैन फुलफिल इट इवन द एम एस एम ई कुड बी इंक्लूडेड उनको फॉर्मल लोन्स मिलना चाहिए सेकेंड इट टॉक्स अबाउट कि एडल्ट के पास क्या इंश्योरेंस है उनके पास वैदर दे आर गेटिंग क्रेडिट फ्राम दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेदर दे आर कैशलेस इन मोबाइल बेस्ड ट्रांजेक्शंस रेमिटांसिस क्या वो भेज पा रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ दिस बैंक्स एंड अदर फिजिकल एंड डिजिटल पॉइंट ऑफ सर्विसिज सो ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द यूज पार्ट एंड थर्डली इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी वैदर पीपल आर फाइनेंशियली लिटरेट एंड

उसकी जो भी वैल्यू होती है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट इज़ कम्पेयर्ड और डिपेंडेंट ऑन सम बेस ईयर हम एक बेस ईयर लेते हैं कि सपोज करो कोई भी ईयर हो सकता है ये बेस ईयर कि 2010 हज़ार दस इज़ द बेस ईयर और इस ईयर में जो वैल्यू है वो हंड्रेड है एंड विद दिस वैल्यू वी ट्राई टू सी कि आज की डेट में 2021-22 में व्हाट इज़ द वैल्यू तो जब भी ये निकाला जाता है इट इज़ ऑलवेज मोर देन हंड्रेड 156 या yeah, 116 तो ऐसे वैल्यूज़ होते हैं बट इन द केस ऑफ़ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यहाँ पे ये जो इंडेक्स बनाया गया है यहाँ पे कोई बेस ईयर नहीं है वी हैव नॉट टेकन एनी ईयर एज द बेस ईयर कि उस उस साल की परफॉर्मेंस से लेट मी सी कि आज की डेट में मेरी परफॉर्मेंस कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है ऐसा नहीं है वी आर ट्राइंग टू सी कि एवरी ईयर व्हाट इज़ आर परफॉर्मेंस हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ कितना जा रहे हैं वेदर वी आर मूविंग हाउ फार वी आर मूविंग फ्रॉम जीरो एंड हाउ नियर आर वी रीचिंग टू दैट हंड्रेड तो ये एक पेक्यूलर फीचर है यूजुअली इंडेक्सेस में हमेशा बेस ईयर दिया जाता है आप चाहे इफेक्टिव रेट्स उठा लो या फिर आप सी पी आई डब्लू पी आई उठा लो वहाँ पे हमेशा बेस ईयर को दिया जाता है ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी पैरामीटर्स अब पैरामीटर्स को देख लेते हैं क्या क्या होता है the first parameter talked about accessibility of financial services whether it is actually accessible to you or not aapko mil raha hai ya nahi to isko kaise aap dekhoge so there are certain parameters indicators first is kitne bank branches hain per uh, 10 lakhs adults तो so usually ये देखा गया है जहाँ पे financial services, financial inclusion कम है वहाँ पे major reason ये होता है कि वहाँ पे banks available नहीं है

per 1 lakh adult what is the number of bank accounts what is the number of bank branches the number of atms the number of business correspondents and the number of pos machines in order to access this financial services second talks about the usage ab usage kya hota hai how are you using the financial products now these products could be insurance could be taking loan could be going for pensions that you receive from the government or from the private sector so it talks about what is the percentage of credit that is available to the MSMEs. MSMEs, ko kitna available? These are very micro and small sector enterprises. What is the level of credit available to the marginalized section of the society or to the adults of the society? It also talks about how many people have actually taken the insurance policy or the pension policy. So, all of these are included in this usage part. नाउ थर्ड इज़ द क्वालिटी ऑलरेडी मैं टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी क्या आपको एक्चुअली में पता है इंश्योरेंस का पर, आप इंश्योरेंस क्यों लोगे जब तक आपको उसका नीड उसका पर्पज नहीं पता वाई वुड अ पर्सन वाई वुड अ विलेजर फॉर इंस्टेंस जिसको इतनी नॉलेज नहीं है वाई वुड ही गो एंड इन्वेस्ट पे द प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस उसको पता तो होना चाहिए इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है राइट right? या हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है जब तक उसको उसकी यूटिलिटी नहीं पता होगी व्हाई वुड द पर्सन गो फॉर सर्च सर्विसेज तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी liter बढ़ानी पड़ेगी इंडिया में अगर आपने आ, नहीं बढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज़ द यूटिलिटी यूटिलिटी जब तक इंसान को नहीं पता होगा वाई वुड दैट पर्सन गो फॉर दैट थिंग एंड सेकेंड इज द ग्रीवेंस रिड्रेसल कितने कम्पलेंट्स रिसीव हो रहे हैं वॉट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कम्पलेंस रिसीव टू द नंबर दट इट हैज़ बिन एक्चुअली रिजॉल्व तो ये बताता है हमारा क्वालिटी पार्ट क्वालिटी पैरामीटर ऑफ दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स उसके बाद विल टॉक अबाउट सर्टन कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की वाई डू वी सी दैट इंडिया इज नॉट फाइनेंशियली इंक्लूडेड हमने बहुत सारे स्कीम्स लेकर आते हैं सो ये पूरा कंसेप्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्यों आया वाई आर वी सो मच टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इट इज़ फॉर द सिंपल रीज़न इज दैट कि बहुत सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया गया है दैट योर फाइनेंशियल इफ द कंट्री इज़ फाइनेंशियली इंक्लूडेड देन इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिक्रीज इन पॉवर्टी पॉवर्टी हटाने में हेल्प करेगी इफ़ देर इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन पीपल विल गो फॉर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वो इनफॉर्मल के इनफॉर्मल सोर्सेज के पास नहीं जाएंगे जो उनको एक्जॉर्बिटेंटली हाई रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं एंड हार्श रिकवरी प्रोसेस होती हैं सेकेंडली इफ मोर पीपल आर गोइंग फॉर द फॉर्मल लोन्स और गोइंग फॉर द फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज दैन इट विल एक्चुअली इंक्रीज़ इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दोज पर्सन एंड इवेंचुअली इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री And when you will be having economic growth, economic growth will lead to an increase in sustainable development of the country. So, growth growth, development? So, growth is development now, so sustainable development, that will be at an inclusive level. We are trying to say that all people, be it the marginal section, be it the lower section, be it the other rural and sm small people, whether in terms of Obviously, in terms of income, they are all included in the growth story of our country. Apart from that, financial inclusion is also very important for women. Why it is important for women? Because it will provide, it will help the woman in order to come out, come come out of the poverty, come out of poverty, and it'll even help her family to come out. ऑफ पॉवर्टी अपार्ट फ्राम दैट फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प लेके देन एक्चुअली बूस्ट देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देकेन स्टार्ट विथ सर्टन बिजनेसेस एम एस एम ईज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल उसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ एम्पावेंट टू दूमेन राइट द वमेन विल बी मोर एम्पावर्ड विल बी मोर ट्राइंग टू यूज दिस सर्विसेज इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस ग्रोथ स्टोरी ठीक है सो ऑल ऑफ दिज फीचर्स उसके अलावा इनकम इनक्वालिटी में कमी होगी इफ़ यू आर इफ़ यू हैव एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज इफ़ यू हैव इंश्योरेंस इफ़ यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस इफ़ यू हैव पेंशन देन योर योर

So, and if there is financial inclusion, it will actually result in the financial stability of that country, hai? So yeh sare importance of financial inclusion ki. So why there are certain exclusion in the, uh, इन दी पीपल वाई पीपल आर नॉट एक्सक्लूडेड इन दाइनेंशियल स्टोरी ऑफ देयर कंट्री इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस लिटरेसी नहीं है लोगों में लोगों को पता ही नहीं है वॉट इज़ द यूटिलिटी ऑफ हैविंग एन इंश्योरेंस अकाउंट और हैविंग अ बैंक अकाउंट ठीक है अब जैसे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स लेकर आए थे बहुत सारे लोगों ने जन धन के uh, जन धन योजना के अंदर बैंक्स अकाउंट ओपन तो कर लिए पर उन्हें यूज़ करना नहीं आता नाउ दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दैट वेर प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दी कोविड पीरियड दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वेयर गेटिंग ट्रांसफर टू अ सिंगल अकाउंट मतलब किसी इन किसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का नंबर दे दिया उसके अकाउंट में आ रही थी नाउ दिस पर्सन या फिर अगर इनके ही अकाउंट में आ रही थी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लॉयड इवन इन दिस सिनारी वेन वी हैव सो मच ऑफ बैंक अकाउंट्स ये कैसे ही इज़ फिलिंग अप द फॉर्म फॉर दिस डी बी टीज एंड ही सेंग दट यू नीट टू पे मी फिफ्टी परसेंट ऑफ इट यहाँ पे एक्सप्लोटेशन हो रही है अगर वो बंदा लिटरेट होता देन ही वुड हैव सेट कि ये आपको करके देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई नीड ऑल माई हंड्रेड परसेंट तो so, ये जो लिटरेसी पार्ट है ये मिस मिस हो रही है सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ़ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेकेंड बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते दे डू नॉट हैव दी आधार कार्ड तो उनकी अकाउंट्स नहीं खुलते इंश्योरेंस अकाउंट्स या फिर बाकी जो भी पेपर वर्कस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स थर्डली सम पीपल थिंक इट इज़ नॉट स्यूटेबल टू दैम इंश्योरेंस इज़ नॉट मेंट फॉर दैम दे आर लाइक ठीक है लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए मेरे को आई ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ इनकम दैट आई डो नॉट वॉन्ट एनी काइंडल्थ इंश्योरेंस तो ऐसे भी हैं फॉर्थली दे आर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स एंड इन सर्टन केसेज देयर इज़ एन इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो आप पैसे डिपोजिट कर रहे हो सो दे आर सर्टन बैंक चार्जेस दैट नीड्स टू बी पेड राइट सो बैंक चार्जेस आपको देने होते हैं इंटरेस्ट कटता है आपके उससे अगर आप बहुत बार ए टी एम यूज करते हो तो उसके भी चार्जेस लगते हैं एस एम एस सर्विसज प्रोवाइडेड बाई द बैंक सो ऑल ऑफ दीज Results in high transaction cost for the person, and so people think of not keeping their money or not uh, being included in the financial services. Fourthly, the uh, marginalized people do not trust the banking system, do not trust the financial sector as a whole. Unko trust nahi hai. trust nahi hoga, how will they be included? So we need to work on all of these, and we need to provide with certain good quality services and products so that people come, people on a voluntary basis come and have financial accounts, have uh, invest in mutual funds, make some investments, have pension accounts, have insurance account and be included in the financial story of our country. so this was all about financial inclusion. i hope, you samaj ayahoga, i tried to explain and give you a holistic picture of financial inclusion in india. now, ek or cheese there are certain reports, they are being मेड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस रिपोर्ट इज दैट एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चनस भी आते हैं तो उसमें से एक स्टेटमेंट इसमें से भी हो सकता है सो इट वॉज डॉक्टर डॉक्टर सी रंगराजन कमिटी डॉक्टर सी रंग राजन कमिटी इन द यर टू थाउजेंड एट अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड दे ट्राई टू ब्यूटिफुली डिफाइन वट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट सो वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुड बी आस्ड अबाउट दिस एस वेल तो आप ये ध्यान में रख सकते हो नाउ दे आर सर्टन क्वेश्चन फॉर यू बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस्ड सो द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंडेक्स फॉर मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड यू नीड टू आंसर दैम ऑल ऑफ दिज इन दमेंट सेक्शन आई हैलरेडी प्रोवाइडेड यू विद द आंसर इन द पी डी एफ बट पहले आप आंसर करो फिर आंसर्स को चेक करना आपने The sec second question talks about the number of parameters. So these are the type of questions that could be asked in the examination. Theek hai? थर्ड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द वेटेज आई टोल यू राइट एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैक्सिमम वेटेज किसका है सारे पैरामीटर्स में दूसरा है कि डायरेक्टली पूछ लिया कि अवेलेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पैरामीटर वॉट इज द वेटेज ऑफ दिस पैरामीटर इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एंड फोर्थली इट टॉक्स अबाउट बेसियर अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है यू विल बी मार्किंग एनी ऑफ दिस ए बी सी डी में से कोई सा मार्क कर दोगे बट इसका आंसर एक्चुअली ई है नन ऑफ दी अबाव द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी बेस ईयर आई होप आपको समझ आ गया होगा सो दिस वॉज ऑल फोर टू डे आई होप यू लाइक द सेशन एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टिल दैन कीप लर्निंग एंड बाय